भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है जो बहुत सारे लोग पढ़ने में चूक गए या मीडिया संस्थान भी आपको बताने में चूक गए। मैं उसी ब्राउन केमिकल की बात करने जा रहा हूं जो आकांक्षा दुबे के पेट में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 30 ml ब्राउन कलर केमिकल आकांक्षा दुबे के पेट में था। दो पॉइंट यहां पर बहुत जरूरी है समझना। अगर आप आकांक्षा दुबे की मौत मिस्ट्री में उलझे हुए हैं तो दो पॉइंट्स आप समझ लीजिए। अगर आपने ये मान लिया है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की तो दो पॉइंट्स आपको मैं समझाना चाहता हूं। पहला पॉइंट, आकांक्षा दुबे आपको पता है कि रात में एक पार्टी में गई थी लगभग 9:30 बजे के आसपास। उस पार्टी में उनके कुछ दोस्त थे और वो खुद थे। वहां पर एल्कोहल लिया गया। एल्कोहल के साथ साथ अगर आप पूरे बिल को बनारस के एक रेस्ट्रो बार के अंदर अगर बिल 11,000 रुपए से ऊपर आता है 4-5 लोगों का, तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा ऑर्डर किया गया, जो कि आसान नहीं है। मतलब बनारस में रेट्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 11,000 की एक अच्छी पार्टी हो जाती है। 11,000 रुपए के बिल में जब आकांक्षा दुबे रात में वापस आई, उसके बाद जब उन्होंने सुबह सुसाइड किया, तो उनके पेट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उनके पेट खाली था। उनके पेट में सिर्फ एक ब्राउन केमिकल मिला है जो कि 30 ml के आसपास है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि पार्टी में जाकर के आकांक्षा दुबे ने कुछ खाया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता। मोस्ट कॉमन जो एक फिनोमिना होता है, जब भी कोई अल्कोहल इंटेक करता है तो उस वक्त उसके साथ कुछ ना कुछ खा जरूर रहा होता है। ऐसे में आकांक्षा ने अगर अल्कोहल इंटेक किया है तो फिर उन्होंने खाया क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि आकांक्षा दुबे के पेट में मौजूद ये ब्राउन केमिकल है क्या? क्या ये कोई किसी तरह का ड्रग्स है? क्या ये किसी तरीके का पॉइजन है? क्या ये किसी तरीके का ऐसा ड्रग्स है जो आकांक्षा को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लेकर गया और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली? कुछ भी हो सकता है। इसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन के अंदर आएगी जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ब्राउन केमिकल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि संदीप जो 17 मिनट तक रहा, क्योंकि आकांक्षा की सीसीटीवी फुटेज ये कहती है कि वो लड़खड़ाती हुई अल्कोहल क्योंकि इंटेक किया था, तो लड़खड़ाती हुई संदीप के साथ होटल के कमरा नंबर 105 में पहुंची। उसके बाद संदीप 17 मिनट अंदर रहा, उसके बाद किसी ने आकांक्षा को नहीं देखा। सुबह जब उनका गेट खोला गया तो वो मृत पाई गई, फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। लेकिन 17 मिनट रहने के बाद रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास वहां से संदीप जो वापस चला गया था। अब संदीप 17 मिनट जब अंदर रहा तो क्या उसने कोई पॉइजन दिया? क्या किसी तरीके का ब्राउन केमिकल जो है वो कोई पॉइजन या ड्रग्स है जिसके बाद ये स्थिति बन गई कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड करना बेहतर समझा? ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब गुत्थी ब्राउन केमिकल पर आकर उलझ गई है, और आप इस ब्राउन केमिकल के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? अगर आपके पास कोई जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।